अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। छात्र संगठन होने की वजह से विद्यार्थियों के सामाजिक प्रश्न, ये शैक्षणिक प्रश्न, समस्याओं को परिषद के माध्यम से विद्यार्थी आंदोलन करते हैं और अपने प्रश्न को शासन प्रशासन के सामने रखते हैं। COVID-19 की वजह से जो परीक्षाएं रद्द हुई है और उन परीक्षाओं का शुल्क विद्यार्थी वापस मांग रहे हैं। प्रवेश शुल्क में जो शुल्क ट्यूशन शुल्क है उसे रखकर बाकी बचे हुए पैसे वापस करने की मांग भी छात्र कर रहे हैं। प्रमोट किए गए छात्रों के रिजल्ट जल्द से जल्द लगाए जाने की मांग भी विद्यार्थी कर रहे हैं। लॉकडाउन में हॉस्टल जो बंद है, मेस बंद है, ऐसे में वो भी पैसे वापस करने की मांग छात्राओं द्वारा की गई। इन मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही है। तब रास्ते पर उतरे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को धूले में मारपीट की गई। ऐसे में इस घटना के विरोध में नाराजगी जताते हुए इन विद्यार्थियों ने जाहिर की है। देखिए, ये प्री प्लान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवकों के साथ जिस प्रकार से सरकार ने अमानुष और जिसको कहेंगे अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार, मुगलों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार किया है, हम सरकार का निषेध करते हैं। हम भी सरकार में थे, कभी ऐसी तनावपूर्वक परिस्थिति हमारी सरकार ने कभी नहीं की। ये सरकार जानबूझकर चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, हम सरकार का धिक्कार करते हैं।